नमस्कार, एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज की 7 बड़ी खबर। फर्स्ट देख लेते हैं बिहार स्टेट लेटेस्ट न्यूज अपडेट, बिहार टीचर न्यूज, बिहार एजुकेशन न्यूज, बिहार स्कूल, BSEB मैट्रिक न्यूज, अदर लेटेस्ट न्यूज अपडेट, इग्नू। तो इस तरह से 7 बड़ी खबर को आज के वीडियो में देखने वाले हैं। और इस वीडियो में हम लोग BSEB की तरफ से जो 2 महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आया है उसको भी इस वीडियो में शामिल किए हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। और फर्स्ट नोटिफिकेशन है बिहार स्टेट लेटेस्ट न्यूज अपडेट से, और सेकंड की बात करें तो BSEB मैट्रिक से। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये है बिहार एजुकेशन लेटेस्ट न्यूज अपडेट है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या बताया गया है, सभी परीक्षाएं स्थगित होने से सत्र को संभालना अब होगा और मुश्किल। ये है बिहार एजुकेशन लेटेस्ट न्यूज है। देख सकते हैं पटना विश्वविद्यालय समेत ज़्यादातर विश्वविद्यालयों में परीक्षा कैलेंडर आगे बढ़ने से एक बार फिर विश्वविद्यालयों में सत्र पीछे होने की स्थिति आ गई है, ये बात है। और आगे देख लेते हैं, एक्सपर्ट व्यू देख लेते हैं क्या है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या करें ये देखा जा सकता है। आप लोग देख सकते हैं इसमें बताया गया कि अभी भविष्य की योजनाओं पर काम करें, यही बात है। समय थोड़ा कठिन है लेकिन ऐसा नहीं कि मौके नहीं आएंगे, ये बात की गई है। और इधर भी देख लेते हैं, एक और है एक्सपर्ट व्यू है, देख लेते हैं। जान और करियर में यदि आप लोगों को भी चुनना रहे तो आप किसको चुनेंगे, यही बताया गया है। तो जान को चुनेंगे, यही बताया गया है। और घबराने की जरूरत नहीं है, ये सब भी बताया गया है। ये है बिहार एजुकेशन लेटेस्ट न्यूज है। ऑनलाइन पढ़ाई पर ध्यान दिया जाएगा, ये बताया गया है इसमें। ऑनलाइन पढ़ाई और ई कंटेंट से डैमेज कंट्रोल की चल रही है कोशिश, देख सकते हैं आप लोग। तो आप लोग देख सकते हैं स्कूलों में नए पैटर्न पर ऑनलाइन क्लास शुरू, ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की गई है। बिहार स्कूल लेटेस्ट न्यूज अपडेट है ये, आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं ये है बिहार टीचर न्यूज, बिहार टीचर लेटेस्ट न्यूज अपडेट से रिलेटेड है, आप लोग देख सकते हैं। और इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो ऑनलाइन जमा होंगे, जितने भी कागज शिक्षक हैं उनके दस्तावेज जमा होंगे, इसके लिए नोटिस भेजा जाएगा, ये बातें की गई हैं 53,000 शिक्षकों को। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने ली निगरानी और बिहार बोर्ड के अफसरों के साथ बैठक, होगा सॉफ्टवेयर का सिक्योरिटी ऑडिट। हाँ, बैठक हुई है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें क्या कहा गया है। प्रदेश में वर्ष 2006 से 2015 के बीच नियुक्त हुए करीब 53,000 जो भी शिक्षक हैं उनके दस्तावेजों को जांच के लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है और सॉफ्टवेयर को हरी झंडी भी मिल चुकी है। अब देख सकते हैं आप लोग, दरअसल 53,000 शिक्षकों के दस्तावेजों को ऑनलाइन जमा करने की बात कही गई है। उसके बाद आप लोग ये भी देख सकते हैं, विशेष सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है, शिक्षा विभाग ने एक विशेष सॉफ्टवेयर तैयार किया है, ये बताया गया है। और संजय जी के बारे में बताया गया है कि मुख्य सचिव संजय कुमार की बैठक हुई है, ये बताया गया है। और उसमें इस सॉफ्टवेयर के उपयोग के पहले इसका सिक्योरिटी ऑडिट का निर्णय लिया गया है, ये सभी बातें की गई हैं। अब देख लेते हैं 15 दिनों में सॉफ्टवेयर, ये बात देख लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं मीटिंग में सॉफ्टवेयर को मंजूरी दे दी गई है, अगले 15 दिन में सॉफ्टवेयर प्रभावी हो जाएगा। मीटिंग में विभिन्न सहयोगी इकाइयों की तरफ से आए सुझाव को उसमें समाहित किया जा रहा है। हालांकि सॉफ्टवेयर के उपयोग से पहले इसका सिक्योरिटी ऑडिट भी कराया जाएगा, ये बातें की गई है अपर मुख्य सचिव जी के द्वारा, बातें की गई हैं, आप लोग देख सकते हैं ये सभी बातें। अब थोड़ा सा देख लेते हैं आगे, खुद शिक्षक को देने होंगे दस्तावेज, जो भी डॉक्यूमेंट है अब शिक्षक को खुद अपलोड करने होंगे ये सारे डॉक्यूमेंट, ये बातें की गई है इसमें। और इसके लिए एक वेब पोर्टल तैयार किया जाएगा, ये बातें की गई है इसमें, देख सकते हैं आप लोग।
तो थोड़ा देख लेते हैं। जानकारी के मुताबिक शिक्षा विभाग 53,000 शिक्षकों को नोटिस देकर दस्तावेज जमा करने के लिए कहेगा। दस्तावेज उपलब्ध न कराने की जवाबदेही सीधे शिक्षक पर डाल गई है, तो शिक्षक को स्वयं जमा करना होगा। अब नियोजन इकाई नहीं, खुद शिक्षक को अपने दस्तावेज डॉक्यूमेंट जांच के लिए मुहैया कराने होंगे। ये शिक्षक अपने दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा पाते हैं तो माना जाएगा कि उनके दस्तावेज फर्जी हैं। इस वेब पोर्टल पर जितने भी कार्यरत शिक्षक हैं उनको अपने फोल्डर के सभी दस्तावेज अपने अपलोड करने होंगे। यहीं से विभिन्न बोर्ड उनके दस्तावेजों को जांच करेगा, उसकी वैधता को जांच करेगा। ये सभी बातें की गई है इसमें, आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि वेब पोर्टल तैयार किया जाएगा, सॉफ्टवेयर एक वेब पोर्टल के रूप में होगा और उसमें आप लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे पहले, उसके बाद लॉगिन करेंगे और पासवर्ड भी जनरेट होगा। उसके बाद पासवर्ड जनरेट किया जाएगा और उसका लॉगिन करके आप लोग अपना डिटेल्स भरेंगे और डिटेल्स भरने के बाद सारे दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा, ऑनलाइन जमा होगा, ये बातें की गई है। और डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया जाएगा और यही बातें की गई हैं। अब थोड़ा सा देख लेते हैं आगे टीचर न्यूज के बारे में, एक और भी बातें की गई हैं आप लोग देख सकते हैं। गेस्ट टीचर के बारे में बताया गया है कि अब नहीं हटाया, अतिथि शिक्षक को हटाने के आदेश पर रोक लग चुका है, ये बातें की गई हैं। तो थोड़ा ये भी देख लेते हैं, आप लोग देख सकते हैं अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति से जुड़े एक मामले में हाईकोर्ट के आदेश के पालन के लिए शिक्षा विभाग ने ये बातें की गई है कि अब अतिथि शिक्षकों के हटाने पर रोक लग चुका है। आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं ये खबर भी। तो आप लोग ये भी पढ़ लें, देख सकते हैं आप लोग। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अब इसमें देख सकते हैं जो भी देख सकते हैं ऑनलाइन जो आंसर की है और ऑब्जेक्शन का, तो ये सभी देख सकते हैं। ऑब्जेक्शन का डेट बताया गया है कि बढ़ चुका है, यही बातें हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं संपूर्ण नोटिफिकेशन, देख लेते हैं थोड़ा सा ऊपर में। आप लोग देख सकते हैं दिनांक 2/4/2021 को ऑनलाइन विधि से आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STT 2019 की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी पर आपत्ति जो ऑब्जेक्शन दर्ज करने की तिथि को बढ़ा दिया गया है। इसके लिए एक आवश्यक सूचना है, आप लोग पढ़ लें, ठीक है। आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ लें। तो आप लोग ये भी देख सकते हैं BSEB बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से जो विज्ञप्ति आई हुई है, नोटिफिकेशन आया हुआ है, ये सभी देख सकते हैं आप लोग। ये बातें की गई है कंपार्टमेंटल एग्जाम के बारे में बातें की गई हैं और इसमें बताया गया कि सभी विषयों या अधिकतम 2 में जिसमें नहीं पास किए हैं और उसका कंपार्टमेंटल एग्जाम होने वाला है और उसमें शुल्क से भी संबंधित है और आवेदन से संबंधित ये बातें की गई हैं। इसीलिए आप लोग वीडियो को पॉज करके ये पढ़ लेंगे, आशा करते हैं आप लोग पढ़ लेंगे, यही बात है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो आप लोग देख सकते हैं अदर लेटेस्ट न्यूज अपडेट में बताया गया है कि इग्नू में नामांकन अब 30 अप्रैल तक कराएं, ये सभी बातें की गई है। आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ लेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा इसे। और ये भी देख सकते हैं आप लोग वीडियो को पॉज करके, ये बातें की गई हैं 10वीं व 12वीं की परीक्षा टाली, ये सभी बातें हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ लेंगे, उम्मीद करते हैं पढ़ लिए होंगे। शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ आप लोग बेल आइकॉन को भी दबा दें जिससे समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट करना न भूलें। तो बस इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।